हमने इसमें डाला है पहले तेल, और तेल गर्म होने के बाद हमने डाली है 2 चुटकी हींग। अब हम डालेंगे इसमें जीरा। तेल गर्म होने के बाद हमने जीरा और हींग डाला था, और जब जीरा गोल्डन हो गया उसके बाद हमने इसमें डाला है अनियन, और इसे हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अनियन बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे घी, जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर दिया है। घिया को थोड़ी देर भुनने के बाद इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे, जो है नॉर्मली जो हम मसाले डालते हैं वही सारे मसाले हैं, अपने हिसाब से आप जितना कम ज़्यादा जो भी खाते डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ हल्दी डाल रही हूँ, धनिया डाल रही हूँ और कश्मीरी मिर्च। मसालों को कुछ देर भुनने के बाद, 2-1 मिनट भुनने के बाद हम इसमें पोटैटोज ऐड करेंगे। और पोटैटोज ऐड करने के बाद हम इसे कम से कम 15 मिनट तक मसालों को भूनेंगे, उसके बाद फिर हम नमक डाल देंगे। सो गाइज, मैंने इसमें ऑफ कैमरा नमक डाल दिया है, एंड 15-20 मिनट मसाले भूनने के बाद मैंने इसमें नमक डाला है, एंड नमक डालने के बाद भी मैंने 5 मिनट इसको भूना है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटोज। मैंने 2 टमाटोज कट कर लिए हैं और इसमें डाल के इसे मिलाएंगे, उसके बाद इसे 5 मिनट भूनने के बाद इसको हम सीटी लगाएंगे, एंड 2-3 सीटी के बाद बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो गाइज, हमने कुकर खोला है, तो कुकर खोलने के बाद ये सब्जी ऐसी हो जाती है, मतलब थोड़ा पानी हमने इसमें आधे ग्लास से थोड़ा ज़्यादा पानी डाला था, जितना डाला था उतना ही है 2-3 सीटी के बाद, और उसके बाद ऐसे थोड़ा लगता है। तो हमें थोड़ी देर गैस पे चढ़ा के इसको कम आंच पे और हल्का सा इसका जो पानी है उसे जला लेना है। और ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा क्या कहते हैं एवरेस्ट का गर्म मसाला, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। बस इसके बाद थोड़ा सा ये मिक्स करेंगे और थोड़ी देर गैस पर चढ़ा के रखेंगे, बस 2-3 मिनट, उसके बाद हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। सो गाइज, हमने प्लेटिंग कर ली है। इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच घी, आप देख सकते हैं ऊपर, उसके बाद इसे आप राइस के साथ खाएं, और साथ में मैंने लिया है थोड़ा सा अचार। सो गाइज, ये थी हमारी घी और आलू की सब्जी, जो कि खाकर कोई भी पछताएगा नहीं और आप बच्चों को भी खिला सकते हैं।